गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं उमाशंकर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11th का टॉपिक एल्गी के बारे में। हम पढ़ रहे थे जिनमें हमने कुछ एल्गी के बारे में देखा था। आज मैं आपको एक टेबल जो है, एक चार्ट बताने वाला हूं, उसको ध्यान सुनिएगा। उसमें डिफरेंट टाइप के एल्गी और उनके कैरेक्टर्स है। फर्स्ट एल्गी होती है क्लोरोफाइसी। कौन सी होती है फ्रेंड्स? क्लोरोफाइसी होती है। इसका कॉमन नेम जो होता है ग्रीन एल्गी होता है। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि ग्रीन एल्गी जो मेनली किसे जाना जाता है, तो क्लोरोफिल ऐसे ध्यान रख लेना आप। मेजर पिगमेंट है इसमें क्लोरोफिल ए होता है और क्लोरोफिल बी होता है। इसके अंदर मेनली स्टार्च प्रेजेंट होता है। सेल वॉल इसकी जो होती है मेनली सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेलर नंबर ऑफ पोजीशन एंड इंसर्जेंट 2 at equal, इसमें फ्लैजेला होते हैं। हैबिटेट मतलब ये कहाँ रहती है, तो ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर के अंदर मेनली प्रेजेंट होती है। सेकेंड होती है फियोफाइसी। फियोफाइसी को ब्राउन एल्की से जाना जाता है। इसके अंदर जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है, जिसे फ्यूकोसाइनेथिन बोलते हैं। इसके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो मेनिनिटॉल या लेमिनेरियन होता है। सेल वॉल इसकी सेलुलोज की बनी होती है। फ्लैजेला इसके अंदर अनइक्वल होता है। हैबिटेट इसके अंदर फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर के अंदर होती है, ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर के अंदर ये प्रेजेंट होती है। थर्ड टाइप की एल्गी होती है रोडोफाइसी, यानी रेड एल्गी बोलते हैं इसको। इसमें क्लोरोफिल ए और डी होता है, ठीक है, ध्यान रखना रेड ड क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी होता है, जिसे फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, रोडोफाइसी के अंदर। फूड स्टोर इसके अंदर क्या क्या होता है, फ्लोरिडियन और स्टार्च इसके अंदर प्रेजेंट होता है। यह इसकी सेल वॉल सेलुलोज पेक्टिन पॉली सल्फेट की बनी होती है। इसके अंदर मेनली जो होता है फ्रेजल ऑप्शन होते हैं, ये फ्रेश वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है, ब्रैकिश वाटर और साल्ट वाटर। अब इनमें कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फ्लैजेला जो होता है कौन से एल्गी में ऑब्सेंट होता है, तो रोडोफाइसी में होता है। मैनिटॉल मेनली फूड स्टोर कौन से एल्गी में होता है, तो अपना होता है फियोफाइसी में होता है, ब्राउन एल्गी में होता है। ठीक है, स्टार्च किसके अंदर होता है, तो स्टार्च क्लोरोफाइसी रोडोफाइसी दोनों के अंदर होता है। अब हम एल्गी के बाद आ जाते हैं अगले प्लांट किंगडम। हम पढ़ रहे थे ब्रायोफाइट्स के बारे में। एल्गी के बारे में हमने इतना सब कुछ पढ़ा, आज हम जो होती है मेनली ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने कुछ ब्रायोफाइट्स के डायग्राम बता देता हूँ। ये जो होता है मेनली ये लिवरवुर्थ यानी मार्केंसिया इसे बोला जाता है। बी ये जो होता है ये मार्केंसिया ही है दोनों के, बट ये फीमेल थैलस होता है और ये मेल थैलस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्किगोनियोफोर मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो आर्किगोनियोफोर जो होता है वो फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिम्मा कफ मेनली किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो जिम्मा कफ जो होता है ब्रायोफाइट्स के अंदर होता है या फिर मार्केंशिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जिम्मा कफ इसमें राइजॉइड्स ये निकले होते हैं इस तरीके से। दूसरा डायग्राम होता है मॉसेस का। ये जो नीचे डायग्राम दे रखा है मेनली एक इसका दे रखा है फ्रेंड्स, मॉस का। इसमें कैप्सूल होता है, एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको सीटा बोलते हैं। इसके अंदर लीव्स होती है, मैनेक्सिस राइजॉइड्स होता है, स्पोरोफाइट होता है ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला गैमेटोफाइट होता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसे एंथ्रेडियल ब्रांच बोलते हैं। फिर इसके बाद आर्किगोनियल ब्रांच होती है। ये मॉसेस के डायग्राम है, फ्यूनेरिया गैमेटोफाइट होता है ये, और डी वाला जो डायग्राम दे रखा है स्पेग्नम का दे रखा है। अब हम आ जाते हैं ब्रायोफाइट से रिलेटेड। ब्रायो मीन्स होता है जो वाटर और मेनली सरफेस के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड वेरियस मॉसेस एंड लिवरवर्थ। ब्रायोफाइट्स में मेनली कौन आ जाता है, एक तो मॉस आ जाती है और एक लिवरवर्थ आते हैं। कॉमनली ग्रोइंग मॉइस्ट साइड एरिया इन हिल्स, इन द हिल्स, हिल्स जो स्टेशन होते हैं ऊंचाई वाले जो एरिया होते हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस। इन्हें किस नाम से जाना जाता है, एम्फीबियन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वाटर और दोनों
सरफेस पर यानी अर्थ सरफेस पर रह सकते हैं ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दिस प्लांट कैन लिव सॉइल। ठीक है, ये सॉइल पर भी लिविंग कर सकता है, बट दे डिपेंडेंट ऑन वाटर। लिविंग तो सॉइल पर कर सकता है, बट ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, वाटर के ऊपर होता है। इस कारण से इसे एम्फीबिया की कैटेगरी में रखा गया है। डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें जो होता है मेनली ब्रायोफाइट्स एंड रिप्रोडक्शन वाटर के थ्रू होता है। दे यूजली ऑकर इन डैम ह्यूमिड सैडेड लोकेशन में प्रेजेंट होता है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन बेयर ऑन रॉक्स सॉइल। ये मेनली जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका प्लांट सक्सेशन में होता है, जैसे बेयर रॉक्स एंड सॉइल इनको ब्रेक करने का काम होता है ये। द प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स इज मोर डिफरेंटेड देन ऑफ द एल्गी, इससे थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी मोर डिफरेंट है कुछ ज़्यादा हटके होती है, क्योंकि इसके अंदर थैलस लाइक स्ट्रक्चर मेनली प्रेजेंट होता है एंड प्रोस्टेट एंड इरेक्ट होती है। द अटैच ऑन द सबस्ट्रम यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर राइजॉइड्स द लैक टू रूट्स, इसके अंदर मेनली जो ट्रू रूट्स होती है वो कम होती है। स्टेम एंड लीव्स इसके अंदर मेनली कम होता है। दे मैं प्रोसेस रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक भी स्ट्रक्चर होती है, स्टेम लाइक भी स्ट्रक्चर होती है, बट ट्रू होती है। मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट से हैप्लॉइड होती है। इट इज़ प्रोड्यूस गैमेट, ये क्या प्रोड्यूस करती है फ्रेंड्स, ए गैमेट प्रोड्यूस करती है। इनहैंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, जिसे हम मेनली क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट से मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, एंथ्राजॉइट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में। अब कुछ एग्जांपल हम बाद में देखेंगे, जैसे लीवर वॉर्ट के मॉस के रिलेटेड हम कुछ जानकारियाँ बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।